आइए। जैसा निर्णायक समिति का आदेश आया है, उपस्थित सभी महानुभावों को जय जय सीताराम कहते हुए आप कथा श्री रामचरित मानस के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप एक मनपसंद रचना श्री रामचरित मानस से सुनेंगे। कहना है क्या? के पास जाते हैं और जैसे ही आज मामा मारिच के दरबार पर पहुंचे, आज मारिच पूछ रहे हैं, कहा लंकेश क्या कारण है जो तुम आज मेरे पास चल करके आए हो। आज लंकेश रावण मामा मारिच को संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि तुम्हें एक छल का मृग बनना होगा और जाकर के जानकी का मन भटकाना होगा। देखिए आज मामा मारिच ने ये बात सुनी है। आज रावण को समझाते हुए कहते हैं, कहा तुम उन्हें जानते नहीं हो जो चराचर के स्वामी हैं, जो दिनों के परम नाथ हैं, तुम उनके साथ चल करने की बात कर रहे हो। कुल का विनाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। सुनेंगे आप? कहा रावण, पहली बात ये बताओ तुम आए क्यों हो, क्या कारण है? थोड़ा सा हारमोनियम कम कर देना भैया। आज रावण कह रहे हैं, कहा अरे तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। ओहो, अगर तुम बाबा बन गए तो। अरे तू राम लखन को बेहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। लंकेश रावण कह रहे हैं, अरे सुनो मामा जी, अरे कहना मेरा, सुनो मामा जी कहना मेरा, अरे माल मेरी। कहा क्या बात मानी है? सीता को हरने में, सीता को हरने में मामा तो मेरा को हरने में, सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। और कहा, कहा पहले तुम आए क्यों हो ये बताओ। थोड़ा समय में बढ़ा देना, साजबाज में आवाज जब रही है। करने में आया मामा तुमसे दो बातें, मन में भरोसा मुझको तू मेरे साथ।
पाठ करता रावण, कैसी तू पाठ करता, कैसी ये चाल है, क्या तेरे सर पे बेटा मौत ये काल है। ना दूध का 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 ना दूध का, अरे ना दूध का ना दूध का ना दूध का तेरा साथ, अभी तेरा साथ नहीं देने वाला हूँ। आज मामा मारिच के बात सुनी लंकेश रावण क्रोधित हो जाते हैं, पर आज मामा मारिच को समझा रहे हैं, क्या कहते हैं। अरे तू मेरा साथ नहीं देगा तो तुझे सारा ज्ञान भुला दूंगा। कहा तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे सारा ज्ञान है। अरे तू मेरा साथ नहीं देगा तो तुझे सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। कहा सीता तो भाग में हरने जाएगी, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो पल भर में तुम्हें मार दूंगा। आज मामा हमारे समझ में विचार करते हैं, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है प्रभु श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो मुझे बैकुंठ प्राप्त होंगे। आज देखिए छल से माया का एक मृग बन जाते हैं, क्या होता है। माया से खुद को सजाते हुए एक सुंदर सा बड़ा ही प्यारा सा मृग बन करके माता जानकी के सामने इधर उधर उछल रहे हैं मामा मारी। सुंदर मग वो चला जा रहा है, मन में विचार करते हैं कि अब ये सारा काम हो गया, लेकिन एक काम बचा हुआ है, कौन सा। सीता को दिख जाऊं, सीता को दिख जाऊं तो काम बन जाए, सीता को दिख जाऊं तो काम बन जाए। अरे सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए, सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए, सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए। कहा अरे जैसे ही सीता को मृग सीता ओहो, अरे जैसे ही सीता को मृग दिखा उस पल ही सीता ने प्रभु जानकी आज मन में हर्षा रही है, आज मन में खुश होकर के प्रभु राम से कहती है क्या। कुटिया से अपनी गुजरते हुए अरे सुंदर मृग वो चला जा रहा है। ये बड़ा ही सुंदर सा मृग जो मेरी आंखों के सामने दिखा है प्रभु पर, आपसे यही कहना चाहेंगे। आज माता जानकी कहती है
सुंदर भगवान की जय हो, भक्तर भगवान।